हेलो स्टूडेंट्स, इंजीनियरिंग मास्टर्स के ऑनलाइन पोर्टल में आपका स्वागत है। मैं ऋषि नौटियाल आज आपको बिल्डिंग मटेरियल एंड कंस्ट्रक्शन में सीमेंट और सीमेंट के इंग्रेडिएंट्स के बारे में डिस्कस कराऊंगा। तो बेसिकली जो आपका बिल्डिंग मटेरियल एंड कंस्ट्रक्शन है, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है आपका। यहाँ पर हम लेके आए हैं आपके लिए आज सीमेंट। तो जो सीमेंट है आपका, सीमेंट होता क्या है, कहाँ से आपका सीमेंट इन्वेंट हुआ, इसके बारे में हल्का सा हम जान लेते हैं सबसे पहले। तो सीमेंट जो है आपका, ये 1824 में आपका जो इन्वेंट किया जोसेफ एस्पिडीन ने 1824 में इन्वेंट किया। और जो सीमेंट आपका इन्वेंट किया, ये आपका इंग्लैंड में एक जगह है, पोर्टलैंड। पोर्टलैंड में आपका जो सीमेंट है ये इन्वेंट किया गया था। पोर्टलैंड जो रॉक थी, ठीक, उससे जो सीमेंट है, सीमेंट का नाम रखा गया पोर्टलैंड सीमेंट। ठीक है, अब जानते हैं सीमेंट होता क्या है एक्चुअल में। तो सीमेंट जो है आपका एक बाइंडिंग मटीरियल है। सीमेंट जो है ये आपका क्या है, एक टाइप का बाइंडिंग मटेरियल है, जो कि आपका दो कंपाउंड से मिलकर बना हुआ है। बाइंडिंग मटेरियल है और ये आपका दो कंपाउंड से मिलकर बना हुआ है। दो कंपाउंड कौन कौन से आपके, एक है आपका कैल्केरियस कंपाउंड और दूसरा है आपका आर्जिलिशियस कंपाउंड। कैल्केरियस कंपाउंड और आर्जिलिशियस कंपाउंड से मिलके बना हुआ है। कैल्केरियस का मतलब कार्बोनेट। कैल्केरियस का मतलब क्या है, कार्बोनेट मींस लाइम स्टोन। लाइम स्टोन हो गया, चौक हो गई, ठीक, या सी सेल हो गए, ये आपके क्या है, कैल्केरियस कंपाउंड है, जिनमें कार्बोनेट कंटेंट जो होता है आपका ज्यादा होता है। ठीक है, और दूसरा आपका आर्जिलिशियस कंपाउंड से मिलकर बना हुआ है। आर्जिलिशियस का मतलब है आपका क्ले कंपाउंड। क्ले कंपाउंड जो है आपके आर्जिलिशियस कंपाउंड में आते हैं, जैसे कि आपका क्ले हो गया, ब्लास्ट फर्नेस स्लैग। ब्लास्ट फर्नेस स्लैग, ब्लास्ट फर्नेस स्लैग बेसिकली होता क्या है आपका, स्टील इंडस्ट्री से जो आपका वेस्ट प्रोडक्ट प्रोड्यूस होता है, उस वेस्ट प्रोडक्ट को आप क्या बोलते हैं, ब्लास्ट फर्नेस स्लैग। तो जो आपका सीमेंट है, कैल्केरियस और आर्जिलिशियस कंपाउंड से मिलकर बना हुआ है। जब आप इनकी इंटरग्राइंडिंग करते हैं तो जो आपके पास प्रोडक्ट प्रोड्यूस होता है उसे आप क्या बोलते हैं, सीमेंट। ठीक है, अब जो सीमेंट है जनरली ये आपका क्या है, कैल्केरियस और आर्जिलिशियस कंपाउंड जो है ये आपके पास सारी प्रॉपर्टी नहीं ला सकते हैं। तो डिफरेंट प्रॉपर्टी लाने के लिए, सीमेंट में डिफरेंट प्रॉपर्टी इंड्यूस करने के लिए आप क्या करते हैं, सीमेंट के अंदर इंग्रेडिएंट्स मिक्स करते हैं। तो सीमेंट के इंग्रेडिएंट्स कौन से हैं, डिस्कस करते हैं हम उसके बारे में। इंग्रेडिएंट्स ऑफ सीमेंट, तो जो सीमेंट है आपका, इसके इंग्रेडिएंट या बोल सकते हैं आप कॉन्स्टिट्यूएंट्स या कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं आपके सीमेंट के, जो कि आपका डिफरेंट प्रॉपर्टी सीमेंट में इंड्यूस करते हैं। तो जो सीमेंट के इंग्रेडिएंट है, अगर हम बात करते हैं, यहां पर मैक्सिमम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपके इंग्रेडिएंट्स ऑफ सीमेंट पर रहते हैं, सीमेंट से। तो जो आपका सीमेंट है, इसमें अगर हम इंग्रेडिएंट की बात करते हैं, तो असेंडिंग ऑर्डर क्या होगा, डिसेंडिंग ऑर्डर क्या होगा, कौन सा इंग्रेडिएंट क्या चीज प्रोवाइड करवाता है, ये सारे के सारे क्वेश्चंस आपके ऑब्जेक्टिव में पूछे जाते हैं। तो जो सीमेंट के इंग्रेडिएंट है, इसके लिए एक छोटी सी ट्रिक है, जिससे कि आपको जो इंग्रेडिएंट्स हैं ये आपको क्लियरली याद रहे। तो ट्रिक क्या है इसकी, इसकी जो ट्रिक है आपकी वो है ली साकिंसा। ट्रिक क्या है सीमेंट के इंग्रेडिएंट की, ली साकिंसा।
अब बात करते हैं ये ली साकिमसा है क्या। अब ये तो याद रख लिया ली साकिमसा, और आपको ये पता भी चल गया कि ली साकिमसा जो है ये सीमेंट के इंग्रेडिएंट का डिसेंडिंग ऑर्डर है, घटते हुए क्रम में आपके ये लगे हुए हैं। तो एक तो क्वेश्चन सा जो आपका क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव वो यहां से क्लियर हो गया, डिसेंडिंग ऑर्डर और असेंडिंग ऑर्डर का। अब जो ली साकिमसा है इसमें है क्या ये, तो यहां पर हम बात करते हैं सबसे पहले एलआई। एलआई क्या है? दूसरा आपका एस। एस आपका क्या है? थर्ड है आपका ए। ए आपका क्या है? सी। आई एम एस और ए, इनके बारे में हम डिस्कस करते हैं। ली साकिमसा हो गया आपका। एलआई जो है यहां पर, एलआई क्या है? एलआई स्टैंड फॉर लाइन। एलआई क्या है आपका? एलआई है आपका लाइन। क्लियर। एस जो है, एस क्या है? सिलिका। ए आपका क्या है? एल्यूमिना। सी क्या है? कैल्शियम सल्फेट। आई क्या है? आयरन ऑक्साइड। एम क्या है? मैग्नीशिया। एस सल्फर। और ए आपका क्या है? एल्कालीज। ये तो आपको पता चल गया कि सीमेंट के इंग्रेडिएंट क्या है, लाइम सिलिका एल्यूमिना कैल्शियम सल्फेट आयरन ऑक्साइड मैग्नीशिया सल्फर और एल्कालीज जो है ये आपके सीमेंट के इंग्रेडिएंट है। अब इसका केमिकल फॉर्मूला क्या है, अब उसके बारे में बात करते हैं हम। तो लाइम जो है, लाइम को आप बोलते हैं CaO। इसका जो केमिकल नेम है वो क्या है आपका? CaO। सिलिका जो है यह है आपका SiO2। एल्यूमिना जो है ये है Al2O3। कैल्शियम सल्फेट CaSO4। आयरन ऑक्साइड Fe2O3। मैग्नीशिया MgO। सल्फर हो गया आपका S2। और एल्कालीज जो है आपकी ये इंप्योरिटीज हैं। इंप्योरिटीज हैं तो दो इंप्योरिटीज हैं, एक तो है आपका सोडा और दूसरा है आपका पोटास। सोडा और पोटास Na2O2 एंड K2O आपका पोटास। तो ये आपका हो गया इसमें इसके केमिकल नेम। तो केमिकल नेम आपको पता चल गया, जिसका अगर केमिकल नेम के बेसिस पर भी आता है तो केमिकल नेम के बेसिस पर भी आप क्या कर सकते हैं, इसे डिस्क्राइब कर सकते हैं। ठीक। अब जो सीमेंट में आपने इंग्रेडिएंट्स डाले हैं, ये इंग्रेडिएंट्स जो हैं आपके ये कितनी क्वांटिटी में आपके सीमेंट के अंदर होंगे, तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका इस पर रहता है कि कौन सा इंग्रेडिएंट कितनी क्वांटिटी में सीमेंट के अंदर होगा। क्लियर। तो जो आपका इंग्रेडिएंट है, सबसे पहला इंग्रेडिएंट है आपका लाइम। तो लाइम जो है ये होता है आपका 67% आपका क्या होता है लाइम होता है, 17-25% आपका सिलिका होता है, 5-8% आपका एल्यूमिना, 4-5% आपका कैल्शियम सल्फेट, 3-4% आपका आयरन ऑक्साइड, मैग्नीशिया जो है आपका 2-3% आपका मैग्नीशिया, 1-2% आपका सल्फर, और एल्कालीज जो है आपका less than 1% आपका क्या होता है एल्कालीज प्रेजेंट होता है सीमेंट के अंदर। तो ये आपका हो गया कंटेंट की बात कि कितने कितने अमाउंट पर सीमेंट के अंदर कौन सा इंग्रेडिएंट आपका प्रेजेंट होता है। तो यहां से आपको क्लियर हो गया, आपको डायरेक्टली याद रखना है 60-20-6, यहां पर आप बोल सकते हैं 4-3-2-1 और less than 1, तो डायरेक्टली एक सीक्वेंस में आपको ये क्लियर हो जाएगा। क्लियर।
अब जो आपका ये इंग्रेडिएंट है, कौन सा इंग्रेडिएंट क्या चीज प्रोवाइड करवाता है, तो शॉर्ट में हम पहले बात करते हैं कि जो एलआई है, एलआई आपके पास क्या चीज प्रोवाइड करवाता है। तो इसके लिए भी जनरल आपको एक छोटी सी चीज याद रखनी है, एस डबल एस एस क्यू एस आई एस सी एच एस सी एच एस एस ई एस, ये आपके पास ये जो आपके इंग्रेडिएंट है, इन इंग्रेडिएंट की प्रॉपर्टी है कि कौन सा इंग्रेडिएंट क्या चीज आपको प्रोवाइड करवा रहा है। क्लियर। अब जो एलआई है आपका, एलआई क्या है, यहां पर लाइम, लाइम आपका सीएओ कितना होता है, 62-67% होता है, और क्या चीज प्रोवाइड करवा रहा है, डबल एस। लाइम जो है क्या चीज प्रोवाइड करवा रहा है, डबल एस, और डबल एस का मतलब आपका क्या है, डबल एस का मतलब है आपका एक तो एस आपका स्ट्रेंथ और दूसरा है आपका साउंडनेस। स्ट्रेंथ और साउंडनेस प्रोवाइड करवा रहा है। सिलिका सिंगल एस प्रोवाइड करवा रहा है, सिंगल एस का मतलब आपका क्या है, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करवा रहा है। एल्यूमिना क्यूएस, क्यूएस का मतलब क्या है आपका, क्विक सेटिंग की प्रॉपर्टी जो इंड्यूस करता है, कौन इंड्यूस कर रहा है, एल्यूमिना। नेक्स्ट आपका कैल्शियम सल्फेट आईएस के लिए रिस्पॉन्सिबल है, आईएस का मतलब क्या है आपका, इनिशियल सेटिंग, आईएस का मतलब क्या है, इनिशियल सेटिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है। उसके बाद है आपका आयरन ऑक्साइड, आयरन ऑक्साइड प्रोवाइड करवा रहा है सी एच एस, सी एच एस का मतलब, सी का मतलब है कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल है, एच का मतलब आपका हार्डनेस के लिए रिस्पॉन्सिबल है, और एस का मीन्स है स्ट्रेंथ के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है। वहीं अगर बात कर रहे हैं मैग्नीशिया की, तो मैग्नीशिया भी आपका तीन चीजें प्रोवाइड करवा रहा है, सी एच एस, सी एच एस का मतलब ये भी आपका कलर देता है, एच का मीन्स हार्डनेस प्रोवाइड करवा रहा है, बट एस जो है यहां पर ये क्या है आपका साउंडनेस के लिए रिस्पॉन्सिबल है। एस जो है आपका ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, साउंडनेस, साउंडनेस के लिए रिस्पॉन्सिबल है। क्लियर। नेक्स्ट आता आपका सल्फर, सल्फर आपका सिंगल एस प्रोवाइड करवा रहा है, तो एस का मतलब है आपका, इसका मीन्स भी आपका क्या है, साउंडनेस के लिए सल्फर भी आपका रिस्पॉन्सिबल होता है। और ए आपका है एल्कालीज, एल्कालीज कोई इंग्रेडिएंट नहीं है, जनरली आपका क्या है, आपका आर्गिलिशियस कंपाउंड आपका प्रेजेंट है, तो उसकी वजह से एल्कालीज आपकी डेवलप होती है, एल्कालीज आपकी इंप्योरिटीज होती हैं, और इंप्योरिटीज हैं तो कुछ ना कुछ डिफेक्ट जनरेट करेंगे, तो डिफेक्ट, दो डिफेक्ट जनरेट कर रहे हैं, एक आपका एफ्लोरेसेंस और दूसरा आपका स्टेनिंग। तो ई हो गया आपका यहां पर एफ्लोरेसेंस और एस हो गया आपका स्टेनिंग। तो ये आपके डिफरेंट इंग्रेडिएंट हैं सीमेंट के, जो कि आपके पास डिफरेंट प्रॉपर्टी आपको इंड्यूस करवाते हैं। क्लियर इतना। अब यहां पर तो हमने डिस्कस किया, शॉर्ट में हमने डिस्कस कर लिया कि कौन सा इंग्रेडिएंट क्या चीज प्रोवाइड करवा रहा है। अब थोड़ा इन्हें डिटेल में जान लेते हैं कि एक्चुअल में ये इंग्रेडिएंट अगर आप ऐड कर रहे हैं तो आपने ये चीज प्रोवाइड करवाया, अगर इन्हीं इंग्रेडिएंट को अगर आप एक्सेस में या डेफिशिएंसी में डाल देते हैं तो क्या ये सीमेंट के अंदर क्या चीज आपका प्रोड्यूस करेंगे। क्लियर। तो देखते हैं इसमें, तो सबसे पहला इंग्रेडिएंट आपका लाइम, लाइम बेसिकली आपके पास क्या प्रोवाइड करवा रहा है, एक तो आपको स्ट्रेंथ दे रहा है, दूसरा आपका साउंडनेस प्रोड्यूस कर रहा है। तो लाइम जो है स्ट्रेंथ और साउंडनेस के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ठीक। अगर आप क्या करते हैं लाइम में, लाइम को अगर आप क्या करते हैं एक्सेस क्वांटिटी, अगर आप लाइम को एक्सेस क्वांटिटी में डाल देते हैं, तो एक्सेस क्वांटिटी में डालने पर आपके पास क्या होगा,
एक्सेस क्वांटिटी में डालने से जो लाइम है ये सीमेंट को अनसाउंड बना देगा, ये सीमेंट को क्या कर देगा, अनसाउंड बना देगा। मींस जो आपका सीमेंट यहां पर साउंडनेस प्रोवाइड करवा रहा था, अनसाउंड बनाने का मींस उसके जो वॉल्यूम में चेंजेस ला देगा। अनसाउंड का मतलब जब सीमेंट आपका क्या है वाटर के कांटेक्ट में आएगा, तो वाटर के कांटेक्ट में आने की वजह से जो सीमेंट है उसका वॉल्यूम आपका क्या कर देगा, चेंज कर देगा। तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है, आपका लाइम। अगर आप क्या कर रहे हैं एक्सेस क्वांटिटी में डाल रहे हैं, एक्सेस क्वांटिटी में डालने से क्या कर रहा है, ये सीमेंट को अनसाउंड कर दे रहा है। और अनसाउंड करने के साथ साथ अनसाउंड एंड डिसइंटीग्रेट, साथ में जो सीमेंट पार्टिकल है उन्हें ब्रेक करना भी स्टार्ट कर देगा। अगर आप लाइम को एक्सेस क्वांटिटी में डाल रहे हैं, एक्सेस क्वांटिटी में डालने से लाइम जो है अनसाउंड बना दे रहा है, और अनसाउंड बनाने के साथ साथ उसे क्या कर दे रहा है, डिसइंटीग्रेट कर दे रहा है, तोड़ दे रहा है आपस में जो पार्टिकल है। क्योंकि जो सीमेंट जो है, जब आपका सीमेंट वाटर के कॉन्टेक्ट में आता है तो एडेसिव और कोहेसिव दोनों प्रॉपर्टी सीमेंट के अंदर होती है। जब आपका वाटर के कॉन्टेक्ट में आता है तो ये आपका अपने अंदर क्या रखता है, एडेसिव प्रॉपर्टी भी रखता है और कोहेसिव प्रॉपर्टी भी अपने अंदर रखता है। क्लियर? तो ये तो होगी एक्सेस क्वांटिटी की बात। अगर आप क्या करते हैं लेस क्वांटिटी में रखते हैं, अगर आप लाइम को लेस क्वांटिटी, या आप बोल सकते हैं डेफिशिएंसी, इसी चीज को आप क्या बोलते हैं, डेफिशिएंसी। अगर आप कम अमाउंट में अगर आप लाइम को सीमेंट के अंदर रखते हैं तो कम अमाउंट पर रखने से क्या होगा, जो लाइम है ये क्या कर देता है, रिड्यूस स्ट्रेंथ, रिड्यूस स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ को रिड्यूस कर देता है एंड सेट क्विकली, और साथ में क्या हो जाता है, जल्दी से आपका सेट हो जाता है, जल्दी से आपकी सेटिंग की प्रॉपर्टी उसमें डेवलप कर देता है अगर लाइम को आप कम क्वांटिटी में डाल देते हैं। एक तो स्ट्रेंथ उसकी कम कर देगा, साथ में आपका जो सीमेंट है वो जल्दी से आपका सेट हो जाएगा। तो ये प्रॉपर्टी जो प्रोवाइड करवाता है, ये कौन प्रोवाइड करवा रहा है आपके पास, लाइम प्रोवाइड करवा रहा है। क्लियर? दूसरा हम बात करते हैं, जो सेकंड इंग्रेडिएंट है आपका वो है आपका सिलिका। सेकंड इंग्रेडिएंट कौन सा आपका, सिलिका। तो सिलिका जो है ये आपके पास क्या प्रोवाइड करवा रहा है, यहां पर आपको पता चल गया, सिलिका जो है ये आपको प्रोवाइड करवा रहा है स्ट्रेंथ। सिलिका क्या दे रहा है, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करवा रहा है। तो सिलिका जब आपका स्ट्रेंथ प्रोवाइड करवा रहा है, तो अगर आप सिलिका को एक्सेस क्वांटिटी में डाल दें, अगर आप सिलिका को एक्सेस क्वांटिटी में डाल देते हैं, तो एक्सेस क्वांटिटी में डालने से क्या होता है, जो सिलिका है एक्सेस क्वांटिटी में डालने से, ये एक्सेस क्वांटिटी में डालने से जो सिलिका है ये सीमेंट को क्या कर देगा, इसकी स्ट्रेंथ को इंक्रीज कर देगा, इंक्रीज स्ट्रेंथ एंड सो इट्स सेटिंग टाइम। स्ट्रेंथ को इंक्रीज कर रहा है लेकिन स्ट्रेंथ के साथ साथ सेटिंग टाइम को भी इंक्रीज कर दे रहा है, सो इट्स सेटिंग टाइम, सेटिंग टाइम को भी आपका क्या कर दे रहा है, ये इंक्रीज कर दे रहा है। ठीक है, तो ये किसकी वजह से हो रहा है, सिलिका के एक्सेस क्वांटिटी में डालने की वजह से। क्लियर? अब जो सिलिका को अगर आप लेस क्वांटिटी में डालते हैं, अगर डेफिशिएंसी में डाल दें सिलिका को, अगर आप क्या कर रहे हैं लेस क्वांटिटी में डालते हैं, तो लेस क्वांटिटी में डालने से क्या करेगा, ये स्ट्रेंथ को डिक्रीज कर देगा, डिक्रीज स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ को आपका क्या कर देता है, डिक्रीज कर देगा। क्लियर? तो ये काम किसका है आपका, सिलिका का। ठीक, नेक्स्ट कंपोनेंट है आपका एल्यूमिना। नेक्स्ट कंपोनेंट है आपका एल्यूमिना। एल्यूमिना जो है ये आपके पास क्या कर रहा है, क्विक सेटिंग प्रॉपर्टी इंड्यूस कर रहा है। एल्यूमिना जो है ये आपके पास क्या कर रहा है, क्विक सेटिंग प्रॉपर्टी आपकी इंड्यूस कर रहा है। जब आपका क्विक सेटिंग प्रॉपर्टी इंड्यूस करेगा, तो साथ में जब आप एल्यूमिना ऐड करते हैं सीमेंट में, तो ये आपका सीमेंट के अंदर एक
फ्लक्स का काम करता है, ये सीमेंट के अंदर क्या करता है, एक फ्लक्स का काम करेगा। फ्लक्स का काम करने का मतलब क्लिंकरिंग टेम्परेचर को लोअर डाउन करने का। फ्लक्स का मतलब है जिस टेम्परेचर पर क्लिंकर फॉर्म होते हैं वहां पर आपके पार्टिकल जो है वो आपस में ब्रेक ना हो जाए, टूट ना जाए, वहां पर आप क्या करते हैं, ये जो एल्यूमिना है उस क्लिंकरिंग टेम्परेचर को लोअर डाउन करने का काम करेगा, लोअर डाउन द क्लिंकरिंग टेम्परेचर। क्लिंकरिंग टेम्परेचर को लोअर डाउन करने का जो काम करता है ये कौन करता है, आपका एल्यूमिना, मींस एक टाइप का फ्लक्स का काम कर रहा है। क्लियर। अब जो क्विक सेटिंग प्रॉपर्टी ला रहा है, तो ये जो एल्यूमिना है अगर आप क्या करते हैं इसे एक्सेस क्वांटिटी में डाल दें, अगर आप क्या कर रहे हैं एल्यूमिना को एक्सेस क्वांटिटी में डाल रहे हैं, तो एक्सेस क्वांटिटी में डालने से ये सीमेंट को वीक बना देता है, ये सीमेंट को क्या कर देगा, कमजोर बना देगा, वीकेंस द सीमेंट, सीमेंट को आपका क्या कर दे रहा है, ये वीक बना दे रहा है। तो एल्यूमिना का जो कंटेंट है आपको लिमिटेड रखना है, 5-8% आपका एल्यूमिना का कंटेंट आपका सीमेंट के अंदर होना चाहिए। तो जो सीमेंट है आपका, सीमेंट पर यहां पर ऑब्जेक्टिव पूछता है कि सीमेंट के मेन इंग्रेडिएंट्स कौन से हैं, तो ये जो तीनों है लाइम, सिलिका और एल्यूमिना, ये तीनों ही आपके सीमेंट के मेन इंग्रेडिएंट है। कभी कभी ऑब्जेक्टिव में क्या होता है सिर्फ दो इंग्रेडिएंट दे देता है, लाइम या सिलिका दे देगा, या सिलिका या एल्यूमिना, या लाइम या एल्यूमिना, इस तरीके से आपका ऑब्जेक्टिव में देगा। तो जो स्टार्टिंग के कंपोनेंट के साथ जो कंपोनेंट आपका होगा वही उसका प्रिंसिपल इंग्रेडिएंट होगा। जैसे लाइम और एल्यूमिना अगर दे रहा है तो लाइम और एल्यूमिना होगा, या लाइम और सिलिका दे रहा है तो लाइम और सिलिका होगा, और तीनों अगर दे रहा है लाइम सिलिका और एल्यूमिना तो वहां पर कौन सा होगा, लाइम सिलिका और एल्यूमिना इसके मेजर इंग्रेडिएंट होंगे। क्लियर। तो एल्यूमिना क्लियर हो गया सभी को। नेक्स्ट हम बात करते हैं कैल्शियम सल्फेट की। नेक्स्ट हम बात करते हैं, ये हो गया आपका फर्स्ट इंग्रेडिएंट, ये हो गया आपका सेकंड इंग्रेडिएंट, ये हो गया थर्ड इंग्रेडिएंट, फोर्थ इंग्रेडिएंट आता आपका कैल्शियम सल्फेट। फोर्थ इंग्रेडिएंट जो है वो है आपका कैल्शियम सल्फेट। कैल्शियम सल्फेट CaSO4 किस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है, इनिशियल सेटिंग के लिए। तो जो कैल्शियम सल्फेट है सीमेंट में, जो आप कैल्शियम सल्फेट ऐड कर रहे हैं किसकी फॉर्म में ऐड कर रहे हैं, इन द फॉर्म ऑफ जिप्सम। किसकी फॉर्म में आप ऐड कर रहे हैं, इन द फॉर्म ऑफ जिप्सम। जिप्सम की फॉर्म में आप क्या कर रहे हैं, सीमेंट में आप कैल्शियम सल्फेट को ऐड कर रहे हैं। और जिप्सम जो है किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, जिप्सम रिस्पॉन्सिबल है आपका इनिशियल सेटिंग के लिए, कि जो सीमेंट है आपका जब वाटर के कांटेक्ट में आएगा तो वाटर के कांटेक्ट में आने से वो आपका जल्दी से सेट ना हो। और जल्दी से सेट कब नहीं होगा, ये एक टाइप का क्या है, रिटार्डर है। ये क्या है आपका, एक टाइप का रिटार्डर। रिटार्डर का मतलब ये क्या करेगा, इसका जो आपका हीट ऑफ हाइड्रेशन है, हीट ऑफ हाइड्रेशन, जो आपका हीट ऑफ हाइड्रेशन होता है, हीट ऑफ हाइड्रेशन को क्या कर देता है, स्लो कर देता है, हाइड्रेशन रेट को आपका स्लो कर देगा। तो स्लो करने का जो काम कर रहा है कौन कर रहा है, आपका जिप्सम। हीट ऑफ हाइड्रेशन को स्लो कर देगा, जो सीमेंट पेस्ट जो है आपका वो जल्दी से सेट नहीं होगा, वो क्या है कुछ टाइम बाद आपका सेट होगा। और कितना डिले कर देता है जिप्सम, अप टू 72 आवर्स, 72 घंटे तक, 72 आवर्स तक आपका क्या कर देता है, ये आपका केमिकल प्रोसेस ऑफ हाइड्रेशन, जो हाइड्रेशन की प्रोसेस है उसे 72 आवर्स तक क्या कर देता है, आपका डिले कर देता है, ताकि आपका सीमेंट पेस्ट जो है वो जल्दी से आपका सेट ना हो। तो ये काम किसका है, कैल्शियम सल्फेट। और कैल्शियम सल्फेट किसकी फॉर्म में, इन द फॉर्म ऑफ जिप्सम। जिप्सम की फॉर्म में आप इसे ऐड करते हैं। क्लियर। नेक्स्ट हम बात करते हैं आई। आई आपका क्या है, आयरन ऑक्साइड। फिफ्थ कंपोनेंट है आपका आयरन ऑक्साइड। फिफ्थ कंपोनेंट जो है वो कौन सा है आपका, आयरन ऑक्साइड। Fe2O3 इसका
केमिकल फॉर्मूला है। तो आयरन ऑक्साइड जो है आपका बेसिकली ये किस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है? आयरन ऑक्साइड आपके पास प्रोवाइड करवा रहा है कलर, हार्डनेस और स्ट्रेंथ। तो आयरन ऑक्साइड जो है सीमेंट में कौन सा कलर आपका प्रोड्यूस करेगा? तो आयरन ऑक्साइड जो है ये कलर प्रोड्यूस करता है रेडिश ब्राउन कलर। ये कौन सा कलर दे रहा है? रेडिश ब्राउन कलर आपके पास प्रोवाइड करवा रहा है, ठीक है। साथ में आपका हार्डनेस की प्रॉपर्टी इंड्यूस करता है कि जो सीमेंट पेस्ट है वो हार्ड हो जाए। वो किसकी वजह से होता है? आपका आयरन ऑक्साइड की वजह से। और साथ में आपका क्या करता है? स्ट्रेंथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है। स्ट्रेंथ के लिए कैसे रिस्पॉन्सिबल है? जब आयरन ऑक्साइड जो है लाइम के साथ फ्यूज होता है, जब आयरन ऑक्साइड लाइम के साथ फ्यूज होता है तो वहां पर सीमेंट के अंदर क्या करता है? स्ट्रेंथ प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। तो आयरन ऑक्साइड किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? आपका कलर, हार्डनेस और स्ट्रेंथ के लिए आपका ये रिस्पॉन्सिबल। और कलर कौन सा दे रहा है? ये रेडिश ब्राउन कलर आपके पास प्रोड्यूस कर रहा है, क्लियर। नेक्स्ट आपका यहां पर नेक्स्ट कंपोनेंट है मैग्नीशिया। मैग्नीशिया केमिकल नेम है MgO। मैग्नीशिया का केमिकल नेम जो है वो क्या है आपका? MgO। और मैग्नीशिया जो है ये भी आपका CHS प्रोवाइड करवा रहा था। CHS का मतलब कलर, हार्डनेस और साउंडनेस। कलर, हार्डनेस और साउंडनेस जो है ये तीन चीजें आपका प्रोवाइड करवा रहा है। और जो मैग्नीशिया ये कौन सा कलर दे रहा है? मैग्नीशिया जो आपके पास कलर दे रहा है कौन सा दे रहा है? येलोइश कलर। मैग्नीशिया जो प्रोवाइड करवा रहा है येलोइश कलर आपके पास प्रोवाइड करवा रहा है। अब हम तो बोलेंगे भाई कि सीमेंट का जो कलर है वो तो ना तो रेड होता ना येलो होता है। सीमेंट का कलर तो क्या होता है? ग्रे होता है, ग्रीनिश ग्रे कलर का होता है सीमेंट। तो ये ग्रीनिश ग्रे कब आता है? जब आपका सीमेंट जो है जब इंटरग्राइंडिंग हो रही होती है, क्लिंकर फॉर्म हो रहे होते हैं, तो जैसे ही आपका आयरन ऑक्साइड मैग्नीशिया के कांटेक्ट में आएगा, जब आपस में फ्यूज होंगे ये दोनों, आयरन ऑक्साइड और मैग्नीशिया जो है आपस में फ्यूज होंगे, मिक्स होंगे, तो जो आपका सीमेंट है इसका कलर आपके पास प्रोड्यूस होगा। जब आपकी ये दोनों आपका रेडिश ब्राउन और येलोइश टिंट आपका जो प्रोड्यूस कर रहा है आयरन ऑक्साइड और मैग्नीशिया, जब आपस में आपके ये फ्यूज होंगे तो आपके पास सीमेंट का कलर प्रोड्यूस होगा, दैट इज ग्रे कलर। जो सीमेंट का कलर आएगा वो कौन सा कलर आ रहा है? ग्रे कलर का आपका सीमेंट प्रोड्यूस कर रहा है। और ग्रे कौन सा? ग्रीनिश ग्रे। ग्रीनिश ग्रे कलर का आपका सीमेंट का कलर आपका ये प्रोड्यूस कर रहा है। तो ये कब आएगा? आयरन ऑक्साइड और मैग्नीशिया की वजह से। साथ में मैग्नीशिया हार्डनेस के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है और साउंडनेस के लिए भी। साउंडनेस भी मींस ये भी आपका क्या है? वॉल्यूमेट्रिक चेंजेस इसके अंदर ला सकता है। ये आपका क्या है? वॉल्यूम भी चेंज कर सकता है आपका सीमेंट का, अगर आप इसे एक्सेस क्वांटिटी में डाल देते हैं, ठीक है। तो ये आपका क्या करता है? साउंडनेस भी प्रोवाइड करवाता है। नेक्स्ट कंपोनेंट आता है आपका सेवेंथ कंपोनेंट, वो है आपका सल्फर। नेक्स्ट कंपोनेंट कौन सा आपका? सल्फर। और सल्फर किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? सल्फर आपका रिस्पॉन्सिबल होता है साउंडनेस के लिए। ये भी किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? साउंडनेस। अब बेसिकली जो सल्फर है ये साउंडनेस के लिए रिस्पॉन्सिबल है, लेकिन ये क्या है? माइनर अमाउंट पर आपका रिस्पॉन्सिबल होता है। तो सल्फर की वजह से जो साउंडनेस डेवलप हो रही है उसे हम कंसिडर नहीं करते हैं उतनी ज्यादा, ठीक है। तो सल्फर अगर सल्फर को एक्सेस क्वांटिटी में डाल दें, 2% से ज्यादा अगर आप सल्फर की क्वांटिटी कर देते हैं, तो ये जो क्या करेगा आपका सीमेंट को अनसाउंड बना देगा। ये सीमेंट को क्या कर देगा? अनसाउंड बना देगा, ठीक है। तो जो आपका सल्फर है किसके लिए? साउंडनेस के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अगर एक्सेस क्वांटिटी में डाल रहे हैं तो इट मेक सीमेंट अनसाउंड, सीमेंट को ये अनसाउंड कर देगा। तो ये काम किसका है? आपका सल्फर का, क्लियर। और लास्ट कंपोनेंट है आपका एल्कलीज। एट्थ कंपोनेंट जो है वो क्या है? एल्कलीज। और एल्कलीज कोई इंग्रेडिएंट नहीं है, एल्कलीज आपका इसे एलिमिनेट नहीं करवा सकते हैं आप पूरी तरीके से सीमेंट से। तो एल्कलीज जो है दो फॉर्म में आपका सीमेंट के अंदर होता है, एक तो आपका किसकी फॉर्म में? सोडा, एंड दूसरा आपका पोटास।
सोडा एंड पोटास दो टाइप की आपकी एल्कलीज हैं जो कि आपका सीमेंट के अंदर आपकी प्रेजेंट होती हैं, और एल्कलीज अगर प्रेजेंट है तो कुछ ना कुछ आपका ये प्रॉपर्टी तो इंड्यूस करेंगे नहीं, ये आपका इंक्रीज तो करेंगे नहीं कुछ ना कुछ, तो ये क्या करेंगे कुछ ना कुछ डिफेक्ट आपका डेवलप करवाएंगे, और इसे पूरी तरीके से एलिमिनेट नहीं कर पाते क्योंकि इसका जो अमाउंट होता है 0.5 से 1% तक आपका इसका कंटेंट रह ही जाता है। ठीक, तो जो सोडा और पोटास है ये क्या चीज प्रोवाइड करवा रहे हैं, ये आपके पास दो चीज प्रोवाइड करवा रहे हैं, एक तो आपका एफ्लोरेसेंस और दूसरा आपका स्टेनिंग। एफ्लोरेसेंस और स्टेनिंग, एफ्लोरेसेंस का मतलब जब आप सीमेंट पेस्ट को अप्लाई करवा देते हैं सरफेस पर, तो सरफेस पर जब आपका हाइड्रेशन रेट बढ़ता है, जब आपका मॉइस्चर जो है हाइड्रेट होना स्टार्ट होता है और सीमेंट में हार्डनेस डेवलप होनी स्टार्ट होती है, तो उस टाइम पीरियड पर क्या होता है जो सीमेंट है जब आपका हार्ड होना स्टार्ट होता है तो उसके ऊपर एक व्हाइट कलर की लेयर जम जाती है, तो जो व्हाइट कलर की लेयर जमती है उसी चीज को आप क्या बोलते हैं एफ्लोरेसेंस, वही चीज क्या होता है आपका एफ्लोरेसेंस होता है। और दूसरा क्या है स्टेनिंग, स्टेनिंग जब आपका मॉइस्चर उसमें कुछ ना कुछ अमाउंट पर हल्का रह जा रहा है बाकी आपका हाइड्रेट हो रहा है और साथ में सराउंडिंग उसका जो एरिया है आसपास का वहां पर क्या है एयर प्रेजेंट है, जब आपका एयर उसके कॉन्टेक्ट में आएगी तो एयर कॉन्टेक्ट में आने से क्या होगा उसके ऊपर ब्राउन कलर के टिंट्स आपके डेवलप कर देता है, ये तो क्या कर रहा है एफ्लोरेसेंस, क्या कर रहा है व्हाइट कलर की लेयर डेवलप करवा रहा है, जबकि स्टेनिंग जो है ये आपका क्या हो रहे हैं ब्राउन कलर के ब्राउन टिंट, ब्राउन कलर के धब्बे आपके सीमेंट के अंदर डेवलप करवा दे रहा है, तो वो क्या है आपका स्टेनिंग। और किसकी वजह से डेवलप होता है एल्कलीज प्रेजेंट होने की वजह से, तो एल्कलीज जो है सोडा और पोटास जो होता है ये डिफेक्ट आपके डेवलप करवाते हैं, तो ये आपके हैं इंग्रेडिएंट्स ऑफ सीमेंट। ठीक है, तो यहां पर जो मैक्सिमम क्वेश्चन होते हैं आपके सीमेंट से वो जो क्वेश्चन आपके रहेंगे वो इंग्रेडिएंट्स ऑफ सीमेंट से रहते हैं कि कौन सा इंग्रेडिएंट कितनी क्वांटिटी में है, कौन सा इंग्रेडिएंट क्या चीज प्रोवाइड करवाता है, एक्सेस क्वांटिटी में डाल दें तो क्या होगा, डेफिशिएंसी में डालें तो क्या होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, ओके, थैंक यू।